मेरा वाला शक्ति के पीछे बहुत आवाज आ रही है। शक्ति के बोलने में स्टार्ट करो, जी भाई साहब। हाँ जी, आप सभी अधिवक्ता गण का मैं YouTube के माध्यम से चलाए गए इस तीसरे सत्र में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी अधिवक्ता गण अपने घर पर ही होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस महामारी ने एक चीज तो हमें सिखा दी और प्रूव भी कर दी कि किसी भी तरह की कठिनाई या परिस्थितियां हो, अधिवक्ता परिषद अपना कार्य करने से नहीं रुकेगी और बल्कि और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रयास के लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा देवेंद्र सैनी जी को, अमित जी को वे उदित जी को, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें एक सूत्र में बांध दिया। आज इस तृतीय सत्र में जो आज का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे श्री मुकेश गर्जी लेंगे। श्री मुकेश जी नेशनल एग्जीक्यूटिव अधिवक्ता परिषद में कार्यरत हैं और अगर मैं मुकेश जी का परिचय कराना शुरू करूं तो शायद मेरे पास शब्द कम रह जाएंगे और टॉपिक बीच में रह जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुकेश जी का मैं परिचय करवाऊं। संघ की दृष्टि से देखा जाए तो श्री मुकेश जी जिला संचालक हैं, मूलतः प्रतापनगर से हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में प्रैक्टिस करते हैं और संगठन के बहुत से केसेस ये लड़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल जो आप सबसे दूर नहीं है, स्वामी असीमानंद जी का केस, जो मुकेश जी और रणबीर सिंह कड़काली जी प्रांत अध्यक्ष जी ने बहुत बेखूबी से लड़ा और उसमें सक्सेस भी हासिल करी। आज के इस सेशन में मेरे सहयोगी हैं श्री अमित गोयल जी, सिरसा से हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मुकेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। श्री मुकेश जी। नमस्कार। अधिवक्ता परिषद हरियाणा के सभी सदस्यगणों का अधिवक्ता परिषद हरियाणा के YouTube लाइव चैनल पर स्वागत है। मैं अधिवक्ता परिषद हरियाणा को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज के विषय समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं। अभी अजय शक्ति जी बता रहे थे कि व्यक्ति यदि चाहे तो वह बहुत कुछ कर सकता है। अधिवक्ता परिषद हरियाणा समय समय पर स्टडी सर्कल आयोजित करता रहता है। एक ग्रुप में बैठकर किसी भी विषय पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन COVID-19 के इस आपातकालीन स्थिति में व्यक्तिगत रूप से संयुक्त नहीं बैठ सकते, इसलिए अधिवक्ता परिषद ने YouTube लाइव चैनल के माध्यम से स्टडी सर्कल आरंभ किया है और आज इस तीसरे सत्र में समान नागरिक संहिता पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। हम सब ला के स्टूडेंट्स हैं, ला के फील्ड में कार्यरत हैं, तो ला दो प्रकार से होता है, एक सिविल कानून, एक क्रिमिनल कानून। क्रिमिनल कानून कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गलत कृत्य करता है, कोई अपराध करता है, तो उस अपराध की अलग अलग सजा का प्रावधान है। भारतवर्ष में पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे और प्रत्येक राजा अपने राज्य के हिसाब से न्याय करता था और दंड का प्रावधान करता था, लेकिन समय के साथ साथ संयुक्त भारत का निर्माण हुआ
लेकिन धर्म के आधार पर अलग अलग न्याय व्यवस्था थी। हिंदू धर्म में पुण्य और पाप की मान्यता दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत कृत्य करेगा तो उसको क्या पुण्य लगेगा क्या पाप लगेगा, और पाप की अवधारणा से वह व्यक्ति गलत कृत्य को करते हुए सोचता था यदि मैंने कोई गलत कृत्य किया तो मुझ में पाप का भागी हूंगा। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में शरीयत कानून लागू था कि कोई व्यक्ति गलत कृत्य करेगा तो उसका क्या प्रावधान होगा, कोई व्यभिचार करेगा तो क्या कोड़ों से मारा जाएगा, यदि कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग कृत्य के अलग अलग प्रावधान था। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश कानून को लागू करने के लिए हिंदुस्तान में 1834 से 1879 तक 4 लाख कमीशन का गठन किया और उन्हें निर्देश दिया गया कि वह ब्रिटिश कानून को भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से लागू किया जाए, इस प्रकार से अपना रिपोर्ट दें, और जिसके आधार पर उन्होंने क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई किया और क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई कर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों लॉ क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई करके किए, सबके व्यक्तिगत कानून सब क्रिमिनल लॉ में समाप्त कर दिए गए, चाहे वो धर्म के आधार पर थे, चाहे वो पंचायती फैसलों के आधार पर, खाप पंचायतों के आधार पर, पंचायतों में भी कोई दंड देने का प्रावधान था तो वह भी समाप्त हुआ, और सब केवल जो क्रिमिनल लॉ का कोडिफाई किया उसके आधार पर होता था। जहां लॉ कमीशन को लॉ कोडिफाई करने का निर्देश दिया गया उसके साथ साथ अंग्रेजों ने लॉ कमीशन को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह भारतवर्ष के पर्सनल कानूनों को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वह चाहते थे कि भारतवर्ष में अलग अलग संप्रदाय अलग अलग पहचान बनाकर रखें, इसलिए उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू के सिविल लॉ थे उनको उन्होंने कोडिफाई किया, और कोडिफाई करके अलग अलग हिंदू की मैरिज से संबंधित, डिवोर्स से संबंधित, रीमैरिज और विडोज एक्ट, सती प्रथा का उन्मूलन करने से अनेक प्रकार के कोडिफाई करके लॉ बनाए। तो इस प्रकार उस समय हिंदूज के लॉज को तो कोडिफाई कर दिया गया, लेकिन अन्य कोई भी लॉ, चाहे वो जनजातियों के कानून थे, चाहे वो मोहम्मदन के पर्सनल लॉ थे, उनको नहीं छेड़ा गया, उनको कोडिफाई नहीं किया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, और भारत में लोकतंत्र किस प्रकार से चले तो एक सर्वोच्च ग्रंथ संविधान का कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और संविधान कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 1851 में पुनः यह बात आई कि भारत में कानूनों को एक रूपता दी जाए। उस समय जो तत्कालीन सरकार टेम्परेरी बनाई गई थी उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन पर्सनल कानूनों को कोडिफिकेशन को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में आपस में ठन गई, जिस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया। और उसके पश्चात 1952 में जब सरकार, चुनी हुई सरकार संविधान के मुताबिक आई, तो उस पर फिर 1952 में पुनः हिंदू लॉ को कोडिफाई करने का कार्य किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा गया। हिंदू के सिविल लॉ को कोडिफाई करते हुए हिंदू सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट,
हिंदू गार्डियन एंड वर्ल्ड एक्ट, इस प्रकार एक्ट बनाए गए। आज का विषय समान नागरिक संहिता के यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या आवश्यकता है। तो आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं अपने इस विषय को तीन भागों में बांटना चाहूंगा। पहला भाग कि भारतीय नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की क्या आवश्यकता है। द्वितीय, भारतीय संविधान में इसके क्या प्रावधान है। और तीसरा बिंदु, माननीय न्यायालयों के माध्यम से समान नागरिक संहिता पर क्या क्या आदेश या निर्देश दिए गए। अब आता है कि समान नागरिक संहिता की क्यों आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता का विचार जैसे ही सामने आता है तो एक संप्रदाय यह कहता है कि भारत का बहुसंख्यक वर्ग अपने कानूनों को अल्पसंख्यक पर थोपना चाहता है, और कुछ व्यक्ति यह भी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में जो बहुपत्नी प्रथा लागू है उसको समाप्त कर केवल एक पत्नी के कानून को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, और जिसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, जबकि यह उचित नहीं है, क्योंकि सिविल लॉ केवल मैरिज से रिलेटेड नहीं है। सिविल लॉ मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, अनेक विषय हैं जो सिविल लॉ के तहत आते हैं। भारत में धर्म के आधार पर मैरिज लॉ, सक्सेशन, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, रिलीजियस एंडोमेंट अलग अलग कानून हैं। जहां विवाह से संबंधित अलग अलग कानून है, वहीं संपत्ति के उत्तराधिकार से भी अलग अलग कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू एक शादी कर सकता है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह निषेध है, जिसको इंडियन पेनल कोड में, इंडियन पेनल कोड के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 में भी वर्जित किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लॉज में एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने का प्रावधान है। लेकिन कुछ गलत लोग धर्म का फायदा उठाते हुए एक हिंदू व्यक्ति एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना चाहता है तो वह क्या करता है कि चाहे उसका धर्म में, इस्लाम धर्म में कोई विश्वास है या नहीं, कोई फेद है या नहीं, लेकिन वह एक दिखावे के तौर पर किसी मस्जिद के मौलवी से एक सर्टिफिकेट लेता है और एक सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर कर देता है और दूसरी शादी कर लेता है। जो पत्नी पहले हिंदू धर्म के रहते हुए उस व्यक्ति की पत्नी थी, उसको केवल इतना अधिकार रहता है कि वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस व्यक्ति से डिवोर्स ले सकती है। लेकिन यदि वह पत्नी डिवोर्स लेना नहीं चाहती, तब यहां एक विवाद उत्पन्न होता है कि दूसरी पत्नी के रहते हुए पहली पत्नी के क्या अधिकार हैं। संपत्ति में पहले पत्नी से जो संतान है और दूसरी पत्नी से जो संतान है, उन संतानों में कौन सा कानून लागू होगा, उस व्यक्ति की पैतृक संपत्ति पर क्या कानून लागू होगा। अभी हरियाणा का एक बहुत चर्चित केस, चंद्रमोहन का केस हम सब के सामने है। हरियाणा सरकार में मंत्री होते हुए चंद्रमोहन ने दूसरी शादी करने के लिए अपना नाम बदलकर चांद मोहम्मद कर लिया और चांद मोहम्मद के नाम से दूसरी शादी कर ली, जबकि सबको विदित है कि उस व्यक्ति का इस्लाम धर्म में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं थी। केवल आईपीसी की सेक्शन 494 से बचने के लिए उसने इस प्रकार का ढोंग किया था। जहां इस प्रकार
से संपत्ति का विवाद उत्पन्न होता है, उसी में अलग अलग कानूनों में संपत्ति के भी अलग अलग, यदि वह व्यक्ति हिंदू रहते हुए वसीयत करता है तो उसके प्रावधान अलग है, यदि वह व्यक्ति मुस्लिम धर्म में चला जाता है तो मुस्लिम धर्म में वसीयत का अपना एक लिमिटेड राइट है, उसकी पहली पत्नी का उसकी संपत्ति में पूर्ण रूप से अधिकार होगा, लेकिन दूसरी पत्नी का उसकी संपत्ति में मुस्लिम धर्म के अनुसार बहुत लिमिटेड राइट रहेंगे। फर्स्ट वाइफ को मेंटेनेंस का राइट होगा, लेकिन यदि सेकंड वाइफ को डिवोर्स दे देता है तो सेकंड वाइफ का मेंटेनेंस का राइट नहीं रहेगा। इस प्रकार से अनेक विवाद अलग अलग सिविल कानून होने की वजह से लागू होते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही नहीं, भारतवर्ष में एक स्टेट गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा 1961 तक एक पुर्तगाल की कॉलोनी था, और जैसे ही 1961 में गोवा लिबरेशन में भारत में विलय हुआ तो वहां का जो पुर्तगाल का कानून पहले था यूनिफॉर्म सिविल कोड, वह ही गोवा के अंदर लागू रहा, और 1962 में प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंडम के माध्यम, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसी लॉ को गोवा में लागू किया। आज गोवा में चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति है, सब पर एक कानून लागू होगा। विवाह का धार्मिक आयोजन अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन विवाह के होते ही दोनों व्यक्तियों की, चाहे वह मेल या फीमेल कोई भी हो, तो दोनों स्पाउस की संपत्ति संयुक्त मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की शादी से पूर्व ही संपत्ति है तो शादी होते ही वह व्यक्ति दूसरे पार्टनर की आधी संपत्ति बन जाएगी। उस कानून में भी वसीयत को लेकर बहुत लिमिटेड राइट है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता है, वहीं गोवा में कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। इस प्रकार से संपत्ति को लेकर भी अलग अलग कानून है। इंडियन सेसेशन एक्ट है, इंडियन सेसेशन एक्ट के सेक्शन 118, किसी भी धर्म के कार्य के लिए गिफ्ट करना या विल करना दोनों के को बहुत लिमिटेड राइट देता है, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में विल करने का एब्सोल्यूट राइट है, डोनेट करने का एब्सोल्यूट राइट है। इस प्रकार से अनेक ऐसे विषय हैं जिनको लेकर अलग अलग प्रावधान है, और अलग अलग प्रावधानों के कारण इस प्रकार का विवाद बना रहता है कि संपत्ति किस प्रकार किसको जाएगी, और लोगों को बार बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दूसरा विषय यह है कि इसलिए इन सब विषयों को खत्म करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो रहा है और हमारे संविधान में इसके क्या प्रोविजन है, इस पर एक नजर। भारत के संविधान के प्रीएम्बल में इसका जिक्र है। मैं सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रीएम्बल एक बार पढ़ना चाहूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रीएम्बल के साथ ही एक बार मैं आर्टिकल 14 को भी पढ़ना चाहूंगा।
कि आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। संविधान में मेंशन है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जहां आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होंगे और भारत में सभी पर सेम इक्वल लॉ लागू होंगे, लेकिन साथ ही आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके आधार पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि पर्सनल कानूनों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या कॉमन सिविल कोड को लागू करना आर्टिकल 20 की वायलेशन होगा। मैं एक बार आर्टिकल 25 को रीड आउट करना चाहूंगा। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। जहां आर्टिकल 25 का जिक्र आता है, उसके साथ साथ ही भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का भी जिक्र किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दो प्रावधान है, जहां 44 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जिक्र किया गया है, वहीं पर आर्टिकल 44 को लागू करने में एक कठिनाई है, जिसका वर्णन आर्टिकल 37 में किया गया है। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते। जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, यदि उनकी कहीं वायलेशन होती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। लेकिन और आर्टिकल 37 में यह प्रावधान दिया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनको कोर्ट के माध्यम से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जबकि आर्टिकल 44 अपने आप में क्लियर है, जो कहता है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो इस प्रकार आर्टिकल 37 और आर्टिकल 44 इसमें बाध्य नहीं है। आर्टिकल 44 सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है, केवल एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के माध्यम से कॉमन सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लेकिन भारतवर्ष में संविधान को बने हुए 70 साल हो गए हैं, और 70 साल में भी आज तक जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या आर्टिकल 44 को संविधान में इंप्लीमेंट करने का था, उसको आज तक भी लागू नहीं किया गया, जिसके पीछे केवल एक ही रहता है कि यदि आर्टिकल 44 को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में को मानते हुए भारत में कानून बनाते हुए इस विषय का ध्यान रखेंगे कि समान नागरिक संहिता पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, वहीं पर उन्हें डर रहता है कि कहीं देश का अल्पसंख्यक वर्ग हमसे नाराज ना हो जाए, और वह उसके लिए आर्टिकल 25 की बात करते हैं कि आर्टिकल 44 आर्टिकल 25 की वायलेशन है। जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम एक बार पुणे में
आर्टिकल 25 पर जाना चाहूंगा, जहां आर्टिकल 25 में कहीं पर भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 केवल धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता मीन्स कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति किसी भी प्रकार से अपना सकता है, क्योंकि तो जो पूजा पद्धति है वो केवल एक आत्मा को परमात्मा के बीच की जो कड़ी है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना परलोक सुधार सकता है, परलोक सुधार सकता है, किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, किस प्रकार कोई व्यक्ति धर्म स्वीकार कर सकता है, तो केवल आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता इस प्रकार की देती है। जबकि आर्टिकल 25 कहीं पर भी इस प्रकार से बाइंड नहीं करती कि आर्टिकल 44 को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमारे कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं कि जिसके तहत क्या समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है या नहीं लागू हो सकती। अब ये विषय अनेक बार अनेक न्यायालयों में गए, सर्वोच्च न्यायालयों ने भी कई बार अनेक केसेस के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला। सबसे पहले मैं एक बहुत चर्चित केस शाहबानो केस, जो हम सब के ध्यान होगा, उस पर लाना चाहूंगा कि शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया, जिस पर उसने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और उस पटीशन में उसने अपना गुजारा भत्ता मांगा, तो उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने उसको तलाक दे दिया और कोर्ट में दलील दी कि मुस्लिम कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति अपनी तलाकशुदा बीवी को केवल उसके इज्जत का पीरियड जो 4 महीने का होता है, केवल 4 महीने के इज्जत के पीरियड के दौरान ही उसको गुजारा भत्ता देने के लिए लाइबल है और उसके अलावा वो लाइबल नहीं है। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय में कुरान की आयतों का जिक्र किया गया जिसमें कि पति पक्ष से दलील दी गई कि कुरान तलाकशुदा बीवी को गुजारा भत्ता देने की मान्यता नहीं दिए देती, लेकिन न्यायालय ने अपनी जजमेंट में कुरान की सूरह 114 का जिक्र किया है। उसने कहा दी टोटल ऑफ द रिवेलेशन बिलीव टू हैव बीन कम्युनिकेटेड टू प्रोफेट मोहम्मद एज ए फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ गॉड विल। द कुरान इंटरप्रेटेड बाय द ऑथर जे एरबेरी वर्सेस अविताश 241 एंड 242 आयत ऑफ द कुरान शोज दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेट देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द मुस्लिम हस्बैंड टू प्रोवाइड फॉर देयर डिवोर्स्ड वाइफ। इसी का अरबियन वर्जन भी उन्होंने कोड किया है। 240 जो आयत है वो कहती है दोज ऑफ यू हु शैल डाई एंड लीव वाइफ बिहाइंड देम शुड मेक ए विल टू द इफेक्ट दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद ए ईयर मेंटेनेंस एंड शुड नॉट बी टर्नड आउट ऑफ देयर होम। आगे फिर वो कहते हैं लाइकवाइज The divorced woman should also be given something in accordance with the known fair standard. This is an obligation upon the God-fearing people. So Supreme Court ने शाहबानो केस में आयतों का जिक्र करके ये कहा कि कुरान के मुताबिक भी divorced woman को maintenance देने का obligation husband पर होता है। तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में अपना निर्णय दिया और उसके पति मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह उसे गुजारा भत्ता दे, जिस पर
देश में काफी हल्ला मचा और तत्कालीन सरकार ने एक समुदाय को, मैं कहूंगा एक समुदाय नहीं, एक समुदाय के एक वर्ग विशेष को, केवल पुरुषों को खुश करने के लिए, और शाहबानो केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट दी थी उसको निरस्त करने के लिए डिवोर्स मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अलग से कानून बना दिया, जिसके तहत मुस्लिम पति डिवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल नहीं है, और यदि डिवोर्स वाइफ कोई मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वह या तो अपने पति से या तो अपने पिता से ले, और यदि पिता मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसको मेंटेन करेगा। इस प्रकार का प्रावधान उस एक्ट में किया गया। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को निरस्त करने के लिए एक कानून का प्रावधान कर दिया गया। अब कॉमन सिविल कोड को लेकर एक और बहुत चर्चित केस, सरला मुदगिल केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी कि वह तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। इस केस के तथ्य ये हैं कि एक हिंदू हस्बैंड सेकंड मैरिज करने के लिए इस्लाम को स्वीकार करता है और सेकंड मैरिज कॉन्टेक्ट कर लेता है, जबकि उसकी फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। तो इस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दिन में दिया, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट थॉट द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड टू हैव ए फ्रेश लुक एट आर्टिकल 44 एंड इनेक्ट ए कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन इन कीपिंग विद द मॉडर्न डे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट फॉर वुमेन। दिस वॉज द मैंडेट ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया। यह जजमेंट पास हुई 1995 में, लेकिन 1995 से आज तक भी 25 साल बीत गए और उसके बावजूद भी कोई जिकत नहीं किया गया। इसी केस में सरला मुदगिल केस को कि जजमेंट के कंक्लूडिंग पैरा, उसके अंदर एक और निर्देश दिया गया जिसको मैं एक बार रीड आउट करना चाहूंगा। द गवर्नमेंट में आल्सो कंसीडर फिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग ए कमेटी टू इनेक्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट इमीडिएटली टू चेक द अब्यूज ऑफ रिलीजन बाय एनी पर्सन। द लॉ में प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन हु चेंजेस हिज रिलीजन कैन नॉट मैरी अनदर वाइफ अनलेस डिवोर्स फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। द प्रिविजन शुड बी मेड एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन वेदर ही इज ए हिंदू और ए मुस्लिम और ए क्रिश्चियन और ए सिख और ए जैन और ए बुद्ध। प्रोविजन में बी मेड फॉर मेंटेनेंस एंड सक्सेशन ऑफ द एक्ट आल्सो टू अवॉइड क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर डेथ। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें क्या जरूरत है, उस सबको इस सरला मुदगिल केस के लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैरा है उसमें दिया गया, और यह भी कहा गया कि कन्वर्जन को रोकने के लिए भी केंद्र सरकार कानून बनाए। एक और बहुचर्चित केस, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें गुजरात के कुछ एनजीओ ने मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, लेकिन उस केस में भी आर्टिकल 37 का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम रिट को अलाउ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 इसको डिबार करता है कि वी कांट एनफोर्स
the directive principle of state policy through court of law, but उन्होंने भी कॉमन सिविल कोड को इमीडिएट लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिया और उन्होंने यहां तक भी कहा कि यह हमारी डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह कॉमन सिविल कोड को लागू करे। 2003 में जोहन वल्टामा एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में केस आया। यह केस न तो विवाह को लेकर था न मेंटेनेंस को लेकर था लेकिन यह सेक्शन 118 सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सेशन एक्ट जिसके अंदर किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए गिफ्ट या विल करने का प्रावधान को चैलेंज किया गया था तो इस केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वह कॉमन सिविल कोड लागू करे। जहां पर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44 का आपस में विरोधाभास बताया जाता है उसको क्लियर करते हुए भी सन 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक केस आया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने रिलीजन को डिफाइन किया है कि रिलीजन क्या है। रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ स्टेमिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हर्ट एंड माइंड। रिलीजन इज ए बिलीफ विच बाइंड द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ए मैन टू ए सुपर नेचुरल बींग। एक आम आदमी का जो सुपर नेचुरल पावर है उसके साथ जो उसका विश्वास है उसको लेकर ही केवल धर्म है और धर्म को लेकर किसी को अलग से कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। इस प्रकार हमारे समक्ष अलग अलग प्रावधान है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44 इन तीनों को क्या तीनों आपस में एक दूसरा की कंट्री दिखती हैं या तीनों आर्टिकल एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं की जो उस समय की मूल धारणा थी उस मूल धारणा का आज तक भी सम्मान नहीं किया गया जबकि आर्टिकल 44 की इंप्लीमेंटेशन में ना तो आर्टिकल 25 कहीं पर भी आड़े आता है और आर्टिकल जो 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ उसका पूरक माना जाएगा और जो हमारे प्रियम्बल की अवधारणा है कि जस्ट इक्वल जस्टिस टू ऑल तो वह भी तभी पूर्ण होगी जब आर्टिकल 44 को डायरेक्टिव मानते हुए सरकार हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां एक और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देगी उसके साथ साथ देश में विवाद को भी समाप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह आवश्यक होगा कि कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू किया जाए। जब भारतवर्ष में एक राज्य में गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं, यह एक विचारणीय विषय है। लेकिन कॉमन सिविल कोड को लागू कराने के लिए हम सबको मिलकर इस पर विचार करना होगा। अधिवक्ता समाज की को एक नया दिशा देने का काम करता है और अधिवक्ता परिषद के एम एंड ऑब्जेक्टिव में भी यह क्लियर है कि वह समाज में जन जागरण अभियान भी करेगा और इसलिए अधिवक्ता परिषद का एक यह दायित्व बन जाता है कि वह समाज में इस प्रकार का
माहौल, या ये कह लें कि लोगों को हम इस प्रकार से समझाएं कि लोग इसके लिए तैयार हों और समाज में एक इस प्रकार की धारणा बने कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। समाज की में जब कोई आवाज उठती है तो कोई भी सरकार उस आवाज को नहीं दबा सकता। देश में लगता था कि आर्टिकल 370 खत्म नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति के होते हुए आर्टिकल 370 समाप्त हुआ और देश में जो एक देश में दो विधान या दो झंडे थे वे खत्म हुआ, एक देश में एक विधान लागू हुआ। तो जब गोवा के अंदर सभी धर्म के मानने वाले लोग एक कानून को मान सकते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं मनाया जा सकता, इसका ध्यान करते हुए हम सबको समाज को शिक्षित करना होगा। और जब समाज की तरफ से आवाज उठेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए तो सरकार को मजबूरन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है अमित जी। हाँ जी, अब आ रही है जी। हाँ जी, अब आइए। हमारा पहला प्रश्न है राकेश कुमार सपड़ा जी का, रोहतक से। उन्होंने पूछा है कि जो हमारा विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी जगह कॉमन सिविल कोड ज्यादा उपयुक्त नहीं है क्या? क्या इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यदि आप कॉमन शब्द इस्तेमाल करो तब भी एक रूप एक कानून है कि सभी लोगों के लिए कॉमन कानून होगा। यूनिफॉर्म हम वर्ड यूज करें तब भी उसका मतलब एक ही रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इक्वल टू कॉमन सिविल कोड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड कॉमन। जी, लॉ कमीशन की 21st रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि अभी समय नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इससे क्या कारण है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद अब तक लागू नहीं हो सका? ये पूछा है हमारे व्यूअर्स पूनम राव जी ने। देखिए, लॉ कमीशन की भी कोई ऐसी रिपोर्ट केंद्र सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि जो लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा उसके आधार पर ही केंद्र सरकार अपने कानून बनाएगी। बहुत से कानून केंद्र सरकार इस प्रकार बनाती है कि जो लॉ कमीशन को नहीं सौंपे जाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ कमीशन को, केंद्र सरकार को यह भी आज निर्देश दिए थे कि लॉ कमीशन को वह कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाने के लिए भी कहे, लेकिन आज तक उसका भी जिक्र नहीं किया गया क्योंकि सरला मुदगिल केस में क्लियर डायरेक्शन थी कि कन्वर्जन को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट केवल डायरेक्शन दे सकती है क्योंकि आर्टिकल 37 इसके बीच में बाधा है। आर्टिकल 37 में क्लियर मेंशन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जा सकता, यह केवल डायरेक्टिव है। जी, अगला प्रश्न विजय शर्मा जी ने पूछा है, वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्फ्रिंज एनी इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 25 को देखें कि आर्टिकल 25 में ही धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। जो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड के माध्यम से किसी की पर्सनल राइट का समापन होगा,
तो देखिए फ्रीडम ऑफ साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ। अब तीन चीजों को देखते हुए दी गई है कि जो फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है वह पब्लिक ऑर्डर को मोरलिटी को और हेल्थ को। अब ये कहा कि नैतिकता है कि एक हिंदू महिला को अधिकार कुछ और मिले और एक महिला मुस्लिम धर्म के कारण उसको वह अधिकार ना मिले, क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि आर्टिकल 25 को यदि हम इस संदर्भ में लेते हैं कि आर्टिकल 25 पर्सनल लॉज के अंदर इंटरफेरेंस को रोकता है तो यह आर्टिकल 25 फिर आर्टिकल 14 की वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 में प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल लॉज की बात की गई है, तो इसलिए कॉमन सिविल कोड किसी भी प्रकार से आर्टिकल 25 की वायलेशन नहीं होगा। और यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अनेक केसेस में ऑलरेडी बात यह कह चुकी है कि आर्टिकल 25 के कारण आर्टिकल 44 को नहीं रोका जा सकता। ये तो केवल 44 को आर्टिकल 37 की वजह से रुका हुआ है कि आर्टिकल 37 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्स्ड नहीं करा जा सकता। जी, अगला प्रश्न है डॉक्टर आलोक शर्मा जी, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने पूछा वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट ए मस्ट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। पार्डन, वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट ए मस्ट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बात यह है कि यूजीसी इज नॉट मस्ट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। यदि इस देश में नेशनल इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट खत्म होगा तो नेशनल इंटरेस्ट अपने आप आएगा। यदि अपने व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में उलझा रहेगा तो मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करेगा। जहां व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण मुस्लिम विवाद का अलग अलग कानून के कारण झगड़ा होगा यदि वह समाप्त होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन अपने आप आएगा। जी, अजय बागला जी ने चरखी दादरी से प्रश्न पूछा है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड वेयर एज प्रीएम्बल हैव वर्ड सेकुलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन हाउ इट इज इनएक्टेड। अजय बागला जी ने पूछा है कि प्रीएम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड मौजूद है और बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते तो क्या इससे इसका वायलेशन नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हमारे प्रीएम्बल में सेकुलर में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के मुताबिक अपने धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। अभी मैंने जो लिली थॉमस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया था कि लिली थॉमस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ स्ट्रीमिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट एंड माइंड और रिलीजन इज ए बिलीफ विच बाइंड द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ए मैन टू ए सुपर नेचुरल बींग। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से पूजा का कहीं पर भी वर्जित नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र सेकुलर वर्ड वाइज किया गया कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग रिलीजन होगा। जो सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में यूज किया गया है वो फॉर द स्टेट किया गया है कि हम कैसी स्टेट बनाना चाहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए सेकुलर स्टेट। इट मींस कि स्टेट हैज इट्स ओन नो रिलीजन और पब्लिक का अपना जिसका जो चाहे वो उस रिलीजन को अडॉप्ट करे। यहां पे जो सेकुलर वर्ड यूज किया गया क्योंकि तो सेकुलर वर्ड को ही आगे आर्टिकल 25 में भी किया गया क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 में दी गई। तो आर्टिकल 25 कहीं पर भी इस चीज को बैन नहीं करता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना किया जाए। अभी हो रहे प्रश्न? जी जी, आज के व्यूअर्स ने हमारे समक्ष यही प्रश्न रखे,
और इन्हीं के साथ मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अजय जी से कहूंगा कि वो आगे के समापन के रूप में। धन्यवाद श्री मुकेश जी, जिन्होंने जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आज का टॉपिक लिया और ये भी क्लियर किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या आवश्यकता है। चाहे वो शाबानो का केस हो, सरला मुद्दिल का केस हो, लिली थॉमस का केस हो, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस सब की जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी थी आज के परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ ही मैं आप सभी अधिवक्तागण का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने इस स्टडी सर्कल रूपी महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति किस प्रकार दी, चाहे वो लाइक्स डाल के, चाहे वो अपने अपने मैसेजेस डाल के, चाहे वो किसी प्रकार की क्वेरीज। मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द ही साथ होंगे और फिर हम एक दीवार के नीचे एक ही सभागार में होंगे और फिर हम आपकी, हमारी और आपकी आवाजों से, भारत माता की गूंज से फिर वो हमारी आवाजें सुनाई देंगी और मैं आशा करता हूँ बहुत ही जल्दी हम साथ होंगे। कहा जाता है कि एक बहुत ही मशहूर गाना है कि कांटों पे चल के भी मिलेंगे साए बाहर के, तो चाहे जैसा भी समय रहा हो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी अपने परिवार में स्वस्थ रहेंगे और आप सबको इसी के साथ आप सबसे अनुमति लेते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद।